हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कातिल गेमिंग बीजीएमआई में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपनी बीजीएमआई का लेवल अप कैसे करें, सुपर फास्ट अपना जो लेवल है बीजीएमआई का वो कैसे करें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हमको लेवल अप करने के लिए सबसे पहले हमको जानना है कि लेवल अप किससे होता है। तो लेवल अप होने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा लेवल आप देख सकते हो 70 लेवल है और मेरे को 71 लेवल जाने के लिए 182,410 एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और मैंने जो है 149,104 एक्सपीरियंस कंप्लीट कर दिया है। ये एक्सपीरियंस क्या होता है पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप मैच ख़त्म करोगे, जैसे आप क्लासिक खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, टीडीएम का तो दूसरा लेवल है, लेकिन जब आप क्लासिक खेलते हो तो सबसे जब मैच ख़त्म होता है तो सबसे लास्ट में आपको ऊपर पे एक एक्सपीरियंस दिखता होगा, जिसमें आपको हर मैच में 200-300 एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी मर जाते हो तो आपको 10 या 15 का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप चिकन लेते हो तो आपको 400 या 500 का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जितना मैच आप खोलोगे उतना एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये भरेगा तो आपका 71 लेवल हो जाएगा, ऐसे ही करके 72-73 होता जाएगा, ठीक है। तो अगर दूसरा तरीका है आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ाने का, वो आप एक्सपीरियंस कार्ड लगा सकते हो। जैसे मेरे पास 27 है, ठीक है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो अगर आप एक मैच पे चिकन कर दिया, आपको 400 एक्सपीरियंस मिला था, इस कार्ड को लगा के आपको 800 एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये कार्ड सिर्फ एक ही घंटे के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेरे पास 27 पड़े हैं, आपके पास भी होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरी ट्रिक है, आपको सबसे पहले मैप सेलेक्ट वाले पे आ जाना है और अनरैंक लगा के ये लिविक जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, इजी इजी इसको कर देना है, ठीक है। और इसको नो मैचिंग कर देना है। अगर आपके साथ आपके अगर आपके साथ रैंडम बंदे आएंगे तो वो किल्स ले लेंगे, ठीक है। इस इजी वाले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बॉट आते हैं, अगर लगभग आप एक मैच में 20 बॉट तो मार ही लोगे, ठीक है। 20 बॉट मार दोगे तो आपको 600 या 700 या 800 का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस एक्सपीरियंस कार्ड को एक यूज़ कर देता हूँ। ये मैंने एक एक्सपीरियंस कार्ड को यूज़ किया, ठीक है। एक एक्सपीरियंस कार्ड यूज़ हुआ, आपको ऑटो मैचिंग ऑफ कर देनी है, ठीक है। मैंने ऑफ कर दिया है और मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मिलिट्री उतरना है, एक गन पकड़नी है, उसके बाद अपने आप ही बॉट आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा मैच में ले चलता हूँ। जैसे ही आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा आप चारों तरफ देख सकते हो कोई भी रियल बंदा नहीं है, ओनली ओनली बॉट आएंगे, ठीक है। एक बॉट ये है, एक वो देख सो, इसमें 100 बंदे आते हैं और 100 के 100 बॉट और 8 रियल, ठीक है। इसलिए आपको ऑटो मैचिंग बंद कर देनी है, ठीक है। अगर आपके साथ 3 रैंडम प्लेयर आएंगे तो 10 किलो वो करेगा, 10 किलो वो, 10 किलो ऐसे ऐसे करके आपके किल्स कम हो जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस कम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लेवल अप करना है तो ऐसे ही ट्रिक आपको यूज़ करनी है, ठीक है। मैं आपको मैच के एंड में ले जाता हूँ कि कैसे कैसे बॉट आते हैं और कैसे कैसे आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो सब पहला बॉट आ चुका है, अभी मैंने फायर किया था पहला बॉट, देख सकते हो। इसी प्रकार से बॉट आते रहेंगे और आपको उनको बस किल्स करते जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकालने हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। अब बॉट आते रहेंगे, ठीक है। एक बार आपको बस मिडिस्ट में उतरना है और गन हाथ में पकड़ लेना है, उसके बाद आपको कहीं ना जाना है, बस बॉट आते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो को लास्ट में आपको बताता हूँ मेरे कितने किल्स हुए और मेरे को कितना एक्सपीरियंस मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप खेलोगे ना इस मैप को तो इसमें बहुत एकदम से सीधा बहुत सारे बॉट आएंगे, ठीक है। एक यहाँ से फायर कराएगा, एक यहाँ से फायर करेगा तो काफ़ी लो कर देंगे वो आपको, ठीक है। तो आपको इसमें हीलिंग रखनी है, ठीक है। आपको भर भर के हीलिंग रखनी है जिससे आप पूरा मैप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे सीधा 4 बॉट 5 बॉट आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जा रहा है, और प्लस एक यहाँ से मारा एक यहाँ से मारा तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस टाइम में आप मर भी सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो के एंड में आपको ले चलूँ। तो गाइस आप मेरे किल्स देख सकते हो यार, मैंने 20 किल्स किए हैं। हर मैच में 20 किल्स नहीं हो सकते, लेकिन इस वाले मोड में हर मैच में 20 से 25 से 30 किल्स हो सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा ही एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट के 2 बॉट बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको सीधा लाइव बताऊंगा कि कितना एक्सपीरियंस मेरे को मिला है, ठीक है। तो गाइस मैं अभी आपको लाइव भी बताऊंगा, ठीक है। ये लास्ट बॉट है और देख सकते हो मेरा 22 किल पे चिकन हुआ है, और अभी आप मेरा लाइव एक्सपीरियंस देख सकते हो, ठीक है।
मेरा लाइव एक्सपीरियंस देखना, ठीक है, मेरा लाइव एक्सपीरियंस देख सकते हो आप। बाई स्किल्स देख सकते हो और एक्सपीरियंस 808 का एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मैच खेलना, नहीं, 808 BP मिला है और 1500, लगभग 1600 का एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल मैच खेलना है, इरेंगल खेलना, और उसमें 20 किल करके 1500 का एक्सपीरियंस लेके दिखाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है। मैं मान जाऊंगा कि आपको 1500 का एक्सपीरियंस मिला हुआ, ठीक है। अगर आप मैंने अगर मेरे को 800 का एक्सपीरियंस मिलता, क्योंकि मैंने वो रेटिंग कार्ड भी लगा रखा था, एक्सपीरियंस वाला कार्ड लगा रखा था, इसलिए मेरे को 1600 का एक्सपीरियंस मिल रखा है, ठीक है। नहीं तो मेरे को 900 का एक्सपीरियंस मिले, 800 का एक्सपीरियंस मिलता। अगर आप नॉर्मल इरेंगल खेलते हो, उसमें 5-6 किल करके आपको सिर्फ 100, 200, 300 एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन इसमें आप एक्सपीरियंस ऊपर भी देख सकते हो, 1500 का एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है। अब मैं सीधा आपको बताता हूँ, मेरा जो उस टाइम का एक्सपीरियंस था वो 1 लाख कुछ करके था लगभग। मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, उस टाइम 1,48,000 था, इस टाइम 1,50,000 हो गए। इसलिए मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि एक दिन में 5 लेवल बढ़ाए, ठीक है। अगर आप एक दिन में इसको 5 या 6 से 10 मैच भी खेलते हो, तो आपका लेवल इतना फास्ट अप होगा ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।